लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बताएगा? इमरान भाई, अरे क्या यही अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाम नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या बात है? क्या यही अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या कहने, वाह। क्या यही अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें? क्या यही अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इख्लाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? वाह। क्या यही अच्छे दिन कि साध्वी साक्षी योगी तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? क्या यही अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे मोदी जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। वाह, क्या कहने सुफियान, हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल यकीनन, एक पैगाम जो इस बच्चे के हवाले से मिल रहा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ये वो परिंदा है जो अपनी कुदरती तालीम से आपके सामने है, यकीनन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और इसके हौसलों में और बुलंदी अता करे। पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए जी। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। वाह। अरे मेरे